स्वागत है विराई टाइम्स में एक बार फिर से। लास्ट ईयर मुझे याद है हम इसी जगह पर घूमते घूमते स्टोरी किए थे, उस समय अभी आपने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन इस बार मेरा जो सवाल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके है, क्या तैयारी है केडी पब्लिक स्कूल की? स्टूडेंट ने काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हाँ, सवाल तो वही करने वाला था, रिजल्ट कैसा रहा? हाँ, रिजल्ट तो काफी अच्छा रहा है जी। और एक बच्चे ने IIT टॉपर है जो दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ का। अरे ग्रेट सर, ठीक है। मैम कंप्यूटर क्लास देख के हमारे अपने दिन याद आ गए स्कूल के। हम लोग उस समय सिर्फ ना माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाया जाता था, मतलब पेंट हो गया, ये हो गया। तो आप लोग क्या पढ़ाते हैं कंप्यूटर क्लास में? काफी चीजें हमने चेंज कर दिया है जी, काफी बड़ा ग्राउंड हो गया। यकीन है कि जो स्कूल पहले प्ले ग्राउंड नहीं था सर आपके हिस्से में? यस यस, इसको बना दिया। प्लेग्राउंड काफी अच्छा बन गया है जी, और एरिया भी काफी अच्छा है। 200 मीटर का ट्रैक बनता है जी, जो कि मिनी ट्रैक माना जाता है। स्कूल बस की सुविधा है और फिर यहाँ पे पार्किंग है जी, और बस की सुविधा भी है जी, जो और बस हम लोग और बढ़ाने जा रहे हैं जी। और प्लस हॉस्टल की फैसिलिटी भी आ गया है। अरे वाह, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ KD पब्लिक स्कूल बोरसी में, और ये क्लासरूम है नर्सरी का। अब नर्सरी का था, अब ये नर्सरी का नहीं रह गया है, क्योंकि अब ये होने वाला है बाल वाटिका। भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, और वो लागू जो है इसी सत्र से होने वाली, यानी कि अप्रैल 2024 से होने वाली है, जिसकी तैयारी CBSE स्कूल के जितने भी स्कूल हैं उन सभी ने तैयारी शुरू कर दी है। तो KD पब्लिक स्कूल ने भी तैयारी शुरू कर दी है, और मैं इस वक्त उसी क्लासरूम में हूँ नर्सरी में, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ। आपने भी नर्सरी पढ़ी होगी, तो ये इस टाइप के छोटे छोटे टेबल आपने भी देखे होंगे बहुत सारे, तो आपको भी वो दिन याद आ रहे होंगे। तो मैं भी बच्चों वाले टेबल पे बैठा हूँ, और मेरे सामने टीचर है पूनम मैम, जिनसे बातचीत करेंगे, प्राइमरी इंचार्ज है यहाँ की। मैम पहले तो स्वागत है विलाई टाइम्स में आपका, और मैं यहाँ पे क्लास में हूँ। ये कौन सी क्लास है? नर्सरी है सर, ये नर्सरी क्लास है। नर्सरी क्लास है जो आप बाल वाटिका हो गया है, हो गया है जी, नर्सरी अब पीछे छूट गए हैं। यस सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली मैम, तो बच्चों के लिए कितना फायदेमंद होगा ये सब चीजें? सर ये बहुत फायदेमंद होगा बच्चों के लिए, क्योंकि वैसे भी हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ही फोकस करते हैं, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा। हाँ जी, हम जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो फुल एक्टिविटी बेस्ड ही उनको पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों के दिमाग में जल्दी घुसे। यस सर जी, ये नर्सरी तो मैम 1 KG 1 KG 2 था, अब ये बाल वाटिका 1 2 नर्सरी KG 1 KG 2 था, अब ये बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 हो जाएगा जी। और हम इसमें NCF में जो भी कुरिकुलम्स बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, हम पहले भी उस बेस पे वर्क करते थे, बट हम फुल ऑन अब एडवांस तकनीक के साथ हो जाएगा, फुल ऑन हम उसी पे ही फोकस कर रहे हैं जी। उसकी हमने पूरी तैयारी भी स्टार्ट कर दी है, क्लासरूम डिजाइन वगैरह शुरू कर दिया, अपने कोर्स भी डिजाइन शुरू कर दिया है। यस सर, पूरा हमने स्टार्ट, तो बच्चों को भी मजा आने वाला है, मतलब जी फायदेमंद रहेगा बहुत कुछ। यस सर, बहुत फायदेमंद रहेगा जी। और यहाँ पे आप हमारे स्कूल और हमारे रूम को आप देख सकते हैं जी, पहले से ही पूरे डेकोरेटेड है बच्चों के हिसाब से, डिजाइन किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, और जो चीजें और इंप्लीमेंट करना है वो भी हमने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है, वो आप अभी देख सकते हैं सारी। चलिए प्रिंसिपल विनोद कुमार सर से मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कुछ है और उनकी तैयारी क्या है नए सेशन के हिसाब से, और क्या जरूरी है उन पेरेंट्स के लिए वो सर बताएंगे। KD पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विनोद कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर के बारे में बता दूं कि सर जो है काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं, और गणित के मास्टर ब्लास्टर हैं, और DPS भिलाई में वाइस प्रिंसिपल रहे। सर स्वागत है विलाई टाइम्स में एक बार फिर से। लास्ट ईयर मुझे याद है हम इसी जगह पर घूमते घूमते स्टोरी किए थे, उस समय अभी आपने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन इस बार मेरा जो सवाल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके है, क्या तैयारी है KD पब्लिक स्कूल की? थैंक यू वेरी मच। यू नो CBSE इज गोइंग टू स्प्लिट स्कूलिंग इन 4 पार्ट्स, जो कि 4 स्टेजेस में होगा जी। जो पहला स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज है जी, उसमें 5 ईयर्स का कोर्स होगा, और इन 5 ईयर्स में बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, 1 and 2 विल बी गोइंग फॉर फाउंडेशनल स्टेज। एंड इन जनरल टीचिंग इन दीज क्लासेज विल बी डन इन लोकल लैंग्वेज, डिपेंडिंग अपॉन दैट स्कूल इज ऑफ विच एरिया जी, उसके हिसाब से होगा जी। उसके बाद वाला जो है प्रिपरेटरी स्टेज इज देयर जी, प्रिपरेटरी स्टेज में जो कोर्स होगा जी कंप्यूटर लैब वो +3 होगा जी, और प्रिपरेटरी का क्लासेस जो होगा वो 3, 4, 5 के लिए होगा जी। इसमें भी लैंग्वेज में
छूट दी जाएगी कि जो बच्चे जिस क्लास में है तो कौन सा लैंग्वेज में पढ़ सकता है, लोकल लैंग्वेज या बाहर का लैंग्वेज। जी, तो ये है आपका दैट फाउंडेशनल प्रिपरेटरी क्लास। जी, और इसके बाद जो आता है मिडिल प्रिपरेटरी क्लास, मिडिल क्लासेस दैट विल बी 6 to 8 एज यूजुअल, एंड देयर अगेन लैंग्वेजेस विल बी 3। जी, एंड देन सब्जेक्ट विल बी एज पर सीबीएसई। सर, कंप्यूटर क्लास में तो यहाँ की बात थोड़ी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कंप्यूटर की टीचर है सर? कंप्यूटर क्लासेस भी है मैम। है जी मैम, कंप्यूटर क्लास देख के हमारे अपने दिन याद आ गए स्कूल के। हम लोग उस समय सिर्फ ना माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाया जाता था, मतलब पेंट हो गया, ये हो गया। तो आप लोग क्या पढ़ाते हैं कंप्यूटर क्लास में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेटेस्ट। अच्छा, AI के साथ साथ कोडिंग में पाइथन है लेटेस्ट। अच्छा जी, मतलब ये बताओ, उस समय हम लोग के पास सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट होता था जिसमें वर्ड, एक्सेल, पेंट दो चार चीज़ें पढ़ते थे। पढ़ते क्या थे, कभी छूने मिले बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है मैडम, रोज एक पीरियड होता होगा, ये कंटिन्यू रहता होगा किसी न किसी क्लास का? सारी क्लास का। ठीक है, थैंक यू सर। कंटिन्यू सर, आप एजुकेशन पॉलिसी में, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, क्योंकि कंप्यूटर लैब में घुसा था तो अपने दिन याद आ गए थे मुझे। जी, तो एक्चुअली CBSE इज डिवाइडेड इन 3-4 पार्ट्स, इट्स कॉल 5+3+3+4। सो 5 इज फाउंडेशनल, एंड देन 3 इज प्रिपरेटरी, एंड अनदर 3 इज मिडिल, एंड देन वी हैव 4 ईयर्स फॉर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। सो होल एजुकेशन सिस्टम फॉर स्कूलिंग इज डिवाइडेड इन टू 4 पार्ट्स, एंड in this system they will be learning more languages, like you know changes will be from 2024-25 batch. Yeah. That is a class 1 syllabus will change, and class 6, class 9 and class 11. Yeah. You know class 9 will be having 3 languages. अभी तक वहाँ पे 2 लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था जी। अब जो है वो 3 लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, और साथ में 3 कोर सब्जेक्ट होगा जी। 4 स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होगा। ग्रेट। और इसमें एक कोई बच्चे चाहता है कि नहीं एक और लेना है तो एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। उसी तरह से क्लास 11th में भी चेंज आएगा जी। उसमें 2 लैंग्वेजेस होगा, उसमें पहले से 1 लैंग्वेज था जी, अब 2 लैंग्वेज होगा, 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जी। तो सबको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, साथ में कोई चाहता है तो एक एडिशनल और सब्जेक्ट ले सकता है उसके चॉइस के हिसाब से, या जो उसका टारगेट है, एम्बिशन है, गोल के हिसाब से जी, किस एरिया को अचीव करना चाहता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना जी, और कोई UPSC क्वालिफाई करना है, उसके हिसाब से वो चॉइस में जाएगा। बिल्कुल सर। इस एजुकेशन सिस्टम में जी एक्चुअली जो CBSE डिसाइड किया है जी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ला रहा है जो कि हर एरिया में एक्सपर्ट हो जी, और सब्जेक्ट सिलेक्शन अपने इच्छा अनुसार हो, जिसमें जिसको जैसा करना है जी उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं सर, मतलब जो पढ़ना है वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा ज़्यादा और वो नहीं लेना है। नहीं लेना है जी। और उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जी, और उस सब्जेक्ट में कोई प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत है जी, कोई आपका एक्टिविटी कराना है जी, या एक्टिविटी बेस्ड से पढ़ना है जी, तो वो सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट होगा जी। इवन CBSE says that children should go for workshop. अच्छा। Workshop for different areas of education. जी। And there they can learn जी how to develop ourselves in field of education जी and then how to get employment जी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो CBSE है सारी चीज़ें सिलेबस चेंज करने जा रहा है जी, और वो होपफुली 1 अप्रैल से जो नया सेशन चालू होगा लागू हो सकता है। हाँ, इसमें लागू होने की पूरी संभावना है, पूरी तैयारी। ऑलरेडी CBSE ने वर्कशॉप कर लिया है जी, और उसमें जो चेंजेस लाना है जी वो सारे एक्सप्लेन कर दिया गया है जी, और बताया गया है कि 1-2 वीक के अंदर में सारे डिटेल्स स्कूल को भेज दिया जाएगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाए जी। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा हो गया सर पहले से? हाँ, स्कूल के केडी पे काफी चीजें हमने चेंज कर दिया है जी, काफी बड़ा ग्राउंड हो गया। कीन है कि जो स्कूल पहले प्ले ग्राउंड नहीं था सर आपके हिस्से में?
यस यस इसको बना दिया, प्लेग्राउंड काफ़ी अच्छा बन गया है जी, और एरिया भी काफ़ी अच्छा है। 200 मीटर का ट्रैक बनता है जी, जो कि मिनी ट्रैक माना जाता है जी नेशनल लेवल में जी, और इसमें सारी खेल की सुविधा है जी। जो हम अभी सर बच्चे कितने सर स्कूल में? स्कूल में बच्चे लगभग 700 है, 700 और नर्सरी से क्लास 12 तक है, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम है जी, और स्टूडेंट ने काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हाँ, सवाल तो वही करने वाला था, रिजल्ट कैसा रहा? हाँ, रिजल्ट तो काफी अच्छा रहा है जी, और एक बच्चे ने IIT टॉपर है दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ का। अरे ग्रेट सर, ठीक है। आपके स्कूल का? हमारे स्कूल का लास्ट ईयर बैच में जी एक स्टूडेंट ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया था IIT में, और उसका पोजीशन जो है वो मतलब डिस्ट्रिक्ट में जी प्लस स्टेट में फर्स्ट रैंक था। ग्रेट। एंड देन दो स्टूडेंट ने 97% CBSE का रिजल्ट स्कोर किया है। बहुत बड़ी हरियाली भी एकदम मस्त। हाँ, हरियाली भी है और प्लस लाइटिंग व्यवस्था भी है जी। इसमें कोई रात में भी गेम खेलना है तो उसका भी सुविधा है, चारों तरफ स्कूल बस की सुविधा है, और फिर यहाँ पे पार्किंग है और बस की सुविधा भी है जी, जो और बस हम लोग और बढ़ाने जा रहे हैं जी, और प्लस हॉस्टल की फैसिलिटी भी आ गया है। अरे वाह सर, और उसको भी हम लोग चालू करने वाले हैं जी। तो दाखिला भी शुरू हो गया सर प्रोसेस? हाँ, प्रोसेस चालू हो गया, कुछ एडमिशन हो चुका है जी, और हॉस्टल के लिए भी चॉकआउट कर लिया है जी, और उसको भी हम लोग चालू करेंगे। चलिए, तो विनोद सर से जिनसे बहुत सारी बातें हो गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ज़्यादा बातें हुई क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें सर, पेरेंट्स को भी बहुत फायदेमंद रह गई है। हाँ, इसमें हम लोग पेरेंट्स को भी बात किया है जी, साथ में टीचर लोग को भी मीटिंग लिया है जी, ये एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल सर, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग बहुत होगा सर, चैलेंजिंग भी होगा, चैलेंजिंग होगा, प्लस एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होगा, प्लस सारी चीज़ें जो सिस्टमेटाइज करना होगा, रूम को कैसे सेट करें, कौन सा डिज़ाइन दे किस क्लास में, वो सारे चीज़ को सोचते हुए चलना होगा, प्लस एक्टिविटी बेस्ड में जो है आपका फील्ड वाला गेम्स वगैरह वगैरह को भी देखना पड़ेगा जी। और फायदा बच्चों को ज्यादा होने वाला है, इसकी गारंटी काफी फायदा होगा। ठीक है, और ये सिस्टम जो है सोच समझ के बनाया गया जी, और नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है। ठीक है, तो इसलिए जो इंडिया में एजुकेशन होगा जी वो काफी यूजफुल होगा जी, और इससे जो है बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सेल्फ सेटल्ड होने का भी मौका मिल जाएगा। वाकई में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, आगे जब इंप्लीमेंट होगा तो उस पर भी और हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाला है 2024 से, हो सकता है, इसकी तैयारी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना KD पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विनोद सर से बातचीत की जाए। बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्रिंसिपल भी हैं, उनसे बहुत सारी बातचीत हो गई है। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत कमेंट करके जो बताएं, और KD पब्लिक स्कूल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए गए हैं, एडमिशन संबंधी हॉस्टल और तमाम चीजों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।